दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स अजमेर YT पे ये आज का ये रोमांचक मैच होने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी आखिरी वर्सेज ये टीम है वर्सेज जानकारी क्लब अजमेर के मध्य और जो यहाँ पे पहली रेड होगी वो होगी जानकारी क्लब अजमेर की। रेडर है अजमेर के जर्सी नंबर 6 में बिरजपाल जो कि जूनियर स्टेट प्लेयर रह चुके हैं। शानदार भाई पहली रेड काफ़ी जानदार रेड और विजय ने की गलती शायद हाथ के भी चोट लगी है थोड़ा इंजर्ड हुए हैं हाथ इंजर्ड होने का पूरा शक है। एक ऑफिशियल टाइम आउट लिया जाएगा भाई और इसके जस्ट बाद है रेड पर रामरतन। ये जो आपने पिछला मैच देखा था इससे भी खतरनाक मैच है उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मोहम्मद भाई गैगल मोनू के द्वारा शानदार इस कबड्डी प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक नाम है भाई इनका ये भी जूनियर स्टेट प्लेयर रह चुके हैं और फिर से बिरजपाल रेड पर लंबा टेक खोला और स्लिप किया सामने। शानदार है बिरजपाल रेड पर प्रधान ये सेकंड सेमीफाइनल मैच है भाई देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाती है। प्रधान का वही जोश है जो कि क्वार्टर में था अभी देखते हैं कुछ कह नहीं सकते मैच के बारे में। मेंग ने परसूट मारने की कोशिश की थी नो साउटिंग का इशारा दिया गया है भाई एम्पायर के द्वारा। बिरजपाल 4 का डिफेंस है उसी स्पीड में रेड चला रहे हैं लगातार टो टच खोला लंबा सेफ रेड 4 का डिफेंस है भाई पॉइंट निकालना काफी भाई स्पीकर आप लोगों के बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं इसका चेक करना एक बार स्पीकर सो की आवाज ज्यादा आ रही है। मैच में बना रहना है तो रेडर प्लस डिफेंस दोनों का चलना जरूरी है। ये जनरेटर की आवाज आ रही है और ये एंकल लोड उठाया लंबा हाथ भी किया पर बच निकले थोड़ा सा बच गया था अभी मिड लाइन को क्रॉस कर दिया होता पर जैसे ही राम भक्त ने एंकल में हाथ डाला टाइम पे टीम का सपोर्ट मिला। ये सपोर्ट चाहिए टीम आखिरी को भी फुर्तीले रेडर इनकी स्पीड बोले तो नवीन की तरह है पर ये टैकल हुए बहुत ही भारी सुपर टेकल था। ये 2 पॉइंट मिलेंगे भाई टीम आखिरी को सुपर टेकल में पॉइंट मिलते हैं 2। रेड पर है दीपक आखिरी का रेडर हमारे पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री अहमद खान साहब पधार चुके हैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कोशिश की थी राहुल अजमेर के रेडर अजमेर टीम के रेडर हैं ये और डिफेंडर हैं वैसे लेफ्ट कवर खेलते हैं ऑलराउंडर प्लेयर हैं ये। ये भी आपको बता दूं ये भी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं स्कूली गेम जूनियर स्कूली नेशनल खेल चुके हैं ये राहुल चौधरी हैं साहिल साहिल का क्वार्टर फाइनल में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था एक कॉर्नर की भूमिका जो निभानी चाहिए एक कॉर्नर को वो काफ़ी बेखूबी से निभा रहे थे ये इनकी एक खूबी है बहुत ही शानदार थाई होल्ड करने की। और यह है सहदेव जूनियर स्टेट प्लेयर ये जो नीली जर्सी में आपको सभी प्लेयर दिख रहे हैं इन्होंने पिछली बार जो 2000 रेड थी दीपक ने पूरा जोर लगाया देखते हैं रेडर सेफ हुआ है या क्या डिसीजन आता है। ये ऑफिशियल टाइम आउट लिया जाएगा लिया है और डिसीजन लिया 2 पॉइंट मिलेंगे टीम दीपक की पावरफुल रेड थी भाई ये थर्ड रेड थी बोनस में डिफेंस टूट पड़ा दीपक के ऊपर और सहदेव रेड पे और साहिल ने दिखाया वही साहिल ने जैसे ही रेडर को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया टीम ने दिया टाइम पे सपोर्ट
और ये 1.5 किलो गुड़ की भाई मांग हो रही है रामरतन के स्कोर काटने पे। सुपर टेकल सिचुएशन है, अगर कैच लगी तो 2 पॉइंट मिलेंगे टीम आखिरी को। उधर है मयंक प्रोफेशनल डिफेंडर, इधर राम भक्त, इधर रामरतन रेड पे। वैसे देखे जाए तो ये तीनों ही काफ़ी खुखार डिफेंडर हैं। जहाँ तक कोशिश होगी राहुल सेफ ही निकालेंगे, थर्ड रेड का इंतजार करेंगे। विजय को थोड़ी इंजरी हुई थी अभी हाथ में, पर फिर भी वही जोश उमंग दिख रहा है उनमें बिना कोई दर्द के, दर्द को जैसे भूल ही गए हैं विजय। ये होती है खिलाड़ी की खूबी। रामरतन लगातार भाई रामरतन रेड चला रहे हैं, इनका भी क्वार्टर फाइनल में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। और मैंग राम भक्त राहुल तीनों ही खुकार रेडर, और मेरे को लगता है तीनों को लपेटा है। और ये देखते हैं एम्पायर का डिसीजन क्या आता है। डिसीजन का इंतजार करेंगे, पहले नहीं बोल सकते भाई। और ये डिसीजन लिया है एम्पायरों ने कि ओनली 2 पॉइंट अभी राहुल से बचे हैं। अब राहुल पे पूरा प्रेशर है अपनी टीम को लेकर। टीम को ऑल आउट से बचाना है, और शानदार किक घुमाए भाई, जो हाफ किक होती है कॉर्नर पे बहुत ही बारीकी से उसका इस्तेमाल करके 1 पॉइंट अर्जित किया शांतिपूर्वक। और राम भक्त रेड पर, पिछली बार 2 पॉइंटों की रेड की थी, इस बार देखते हैं। ये बिजपाल खड़े हो चुके हैं, रेडर हैं ये। और राहुल ने कोशिश की और डुबकी लगाई भाई, थोड़ा सा इनका बैलेंस चका और 1 पॉइंट मिला, 1 पॉइंट मिला है रामरतन को। बिजपाल इनकी स्पीड का जवाब नहीं भाई, काफी फुर्तीले रेडर हैं। और पीछे हैं उनके पीछे दो खुकार कॉर्नर, और ये नंदू ने इस कैच को अंजाम दिया भाई। ये जो नंद किशोर है आपको दिख रहे हैं, इन्होंने इस कैच को अंजाम दिया और ये टाइम आउट लिया है भाई। एक राजनीति लगानी होगी इनको टीम आगरी के खिलाफ। अब इन टीम आगरी ने काफी लीड बना ली है पॉइंटों में, टीम अजमेर को कुछ करना होगा आगरी के लिए, एक नया षड्यंत्र रचना होगा इनको। जब तक दोनों कॉर्नर और रेड पे है ब्रिजपाल, तब तक कुछ बोल नहीं सकते हैं कब किस टीम का पासा पलट जाए। रेड पर जाएंगे सहदेव, ये जूनियर स्टेट प्लेयर है भाई। और जैसे ही सहदेव ने घुमाई, उधर हरी ने कर दिया काम खराब, उनका एक सिंगल था होल्ड लिया भाई, और लगता है वो भी इंजर्ड हुए हैं, नाक के थोड़े कुछ चोट आई है उनको भी। अभी हम स्कोर पूछते हैं कोच साहब से क्या स्कोर चल रहा है। और लंबा टेक होने की कोशिश की रामरतन ने, सेफ रेड निकलाएंगे। और ये एक ऑफिशियल टाइम आउट लिया जा सकता है, उम्मीद से लिया गया है भाई। 12-7 का स्कोर है, टीम आखिरी के हैं 12 पॉइंट और इधर टीम अजमेर के हैं 7 पॉइंट। ज़्यादा पॉइंटों की लीड नहीं है, देखा जाए तो 5 पॉइंटों की लीड है मात्र। और उधर एक इनका डिफेंडर जिन्होंने अभी कैच लगाई थी सहदेव की, वो इंजर्ड हो गए, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और सब्स्टिट्यूट के तौर पर लेकर आए हैं शिवराज को। और ये अटैक खाया भाई दीपक ने, एक टॉर्च टच खा इस ब्रिजपाल। और ये रामरतन को डू डाई रेड में भेजा गया है भाई, थर्ड रेड है टीम आखिरी की, इस रेड में इसको निकालना होगा।
और जैसे ही टर्निंग लिया डिफेंडर को किया और ये राम रतन भी इंजर्ड हो चुके हैं, शायद चोट लगी है इनको। चोट लगी है भाई राम रतन को। और ऑफिशियल टाइम आउट के बाद में रेड पर चले हैं बिरजपाल। राम रतन को चोट लग गई थी और बोनस देखते हैं, बोनस प्लस पॉइंट मिला भाई। साहिल ने एक गलती की, बाहर जाना पड़ेगा। अब जो लीड थी 5 पॉइंटों की वो लीड हो चुकी है, अब 3 पॉइंटों की लीड हो चुकी है भाई। अंदर जाकर अटैक खोला, राहुल को जाना पड़ेगा बाहर। एक एक 2 पॉइंट देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। 2 पॉइंट की अपील कर रहे हैं, थोड़ी सी चूक हुई एम्पायर से, कोई नहीं हो जाता है, मैच है, बारीक टच रहता है जो दिखता नहीं है। और कोई नहीं, खिलाड़ी के पक्ष में डिसीजन रहा। और फिर से रेड पर बिरजपाल, किक घुमाई, बाहर जाना पड़ेगा विजय को। ये है भाई फुर्तीले रेडर। और अब हम रेड पर हैं सब जूनियर नेशनल प्लेयर मोहित, ये लाजवाब प्लेयर है भाई, इनकी जो फेवरेट स्किल है वो है टो टच, ये देख सकते हैं आप। और ये गलती की राम भक्त ने, बाहर जाना होगा भाई राम भक्त आपको इस गलती का, मुआवजा टीम पे भारी पड़ सकता है। सहदेव रेड पर लंबा टेक होला और खुद सेल्फ आउट हुए, बैलेंस चुका, बाहर जाना होगा सहदेव आपको। अब है रेड पर प्रधान, कॉर्नर पे पीछा लंबा अटैक खोला, पता था मोनू बैठेंगे। और 1 पॉइंट फिर से मोनू को जाना होगा बाहर। प्रदर्शन अच्छा रहा है भाई प्रधान का, बिरजपाल 11-16 भाई जलकारी क्लब के हैं 11 पॉइंट और टीम, सॉरी जलकारी क्लब के अब हो गए हैं 12 पॉइंट और टीम आखिरी के हैं 16 पॉइंट। लंबा टेक खोला, शायद 2 को बाहर जाना होगा, 2 पॉइंट इस बार सटीक निर्णय। ये दोनों टीमें डिसिप्लिन बना के रखे, ज्यादा बहसबाजी नहीं करो, ऑफिशियल खड़े हैं जो देते हैं उसको सहर स्वीकार करें। टाइम आउट ले रहे भाई मोनो, रेड पर हैं जैसे नंबर 2 में अजमेर के रेडर सोनू। मिथुन
प्रधान। इस मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा प्रधान का अब तक, और जैसे ही आए बैक लगने की कोशिश की, खींचकर बाहर पड़ने की भी कोशिश की थी प्रधान ने, पर एक पॉइंट मिलेगा। इसी के साथ खिलाड़ी बचे हैं सिर्फ सोनू, पूरा प्रेशर टीम का, ऑल आउट से बचाना होगा भाई टीम को। बोनस तो ले लिया आसानी से, बोनस छोड़ दिया टीम ने भी। विजय लग रहा है, विजय लगाने वाले हैं कैच और लगा दी, जैसे ही डाइव मारी लंबी, पूरी टीम टूट के आ पड़ी भाई। ये होता है टीम कॉम्बिनेशन साथ खेलने का, ये फर्क पड़ता है भाई। ये टीम है नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की, जो कि आखिरी गांव में तैयारी करती है भाई। टीम आखिरी के 22 पॉइंट है और 13 पॉइंट है टीम अजमेर के, जानकारी क्लब अजमेर। रेड पे नंदू, पिचपाल रेड पर जर्सी नंबर 6 उसी स्पीड में लगा था, लंबा हाथ खोला कॉर्नर पे, और ये देखते हैं कितने पॉइंट की रेड है। एम्पायर ने खड़ा कर रखा है हाथ, ओनली 2 पॉइंट, 3 पॉइंट की रेड की है भाई बिर्चपाल ने। अपनी स्पीड का यही अंदाज दिखाया है इन्होंने टीम आखिरी को, कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। बिर्चपाल ने ये साबित किया भाई, आप ही खुकार प्लेयर है, अच्छे प्लेयर हैं। प्रधान रेड पर, देख लीजिए आप बिर्चपाल की स्पीड का, लंबा टो टच खोला, ये थर्ड रेड है भाई। रेड पर है मोहित, सब जूनियर नेशनल प्लेयर। जयपुर में जो स्टेट का टूर्नामेंट हुआ था, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, और ये लंबा टेक खोला कवर पे, और बाहर जाना पड़ेगा सोनू को। पाल अंदर जा रहे हैं काफी, और अटैक मारा और लंबा हुए, प्रधान ने डाई लगाने की कोशिश की थी सेकंड से, पर लंबा हो गए बिर्चपाल, और ये पॉइंट अर्जित कर लिया। जाना पड़ेगा प्रधान को बाहर, जो दिख रहा है भाई बिर्चपाल में। नंदू रेड पे, नंद किशोर ये ऑलराउंडर प्लेयर है भाई, देख लीजिए डिफेंस भी करते हैं, रेडिंग में भी स्कोर की, और सोनू ने लगातार गलती के कारण फिर से बाहर जाना होगा इनको एक बार। स्कोर है 24 अकेडमी और 17 जलकारी क्लब, 17-24 का स्कोर, 17 पॉइंट है टीम, 7 पॉइंट की लीड है टीम जलकारी के फेवर में, 7 पॉइंटों से लीड कर रही है टीम आखिरी। तो खोला है, इशारा किया था उनको, और ये टो टच खोला भाई लंबा, पूरी अपील कर रहे हैं, पर ये हाफ टाइम निर्णय गलत दिया भाई इनका, हाफ टाइम स्कोर। और हाफ टाइम स्कोर है आपके सामने 17-24 का, टीम आखिरी के है 24 और 17 पॉइंट है टीम जानकारी क्लब अजमेर के।
रेड पर है मोहित, स्कोर लगातार स्कोर कर रहे हैं भाई। एक सब जूनियर प्लेयर टीम अकेडमी और जानकारी क्लब के सामने लगातार स्कोर कर रहा है। फेवरेट स्किल है भाई मोहित की ये टॉट टच वाली, और काफी प्यारा टॉट टच खोलते हैं ये, एक बार खोल दिया तो सफल ही होते हैं। लंबा किक खोली, सेफ रेड पे निकालेंगे ये रेड, फिर से लगता है रामरतन आ सकते हैं मैच में, गरम हो रहे हैं पूरा। और नंदू रेड पे बोनस का रनिंग बोनस किया भाई, और लगता है क्लियर मार लिया, क्लियर रनिंग बोनस नंद किशोर, आखिरी का खोखा रेडर नंद किशोर बीट्स पर बोल रहे हैं, बोले बोनस लिया था भाई उन्होंने। लंबा टेक होना साइड ने लगाई ढाई, बाहर जाना पड़ेगा बीट्स पाल को, और ये एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं शिवराज, सब्स्टिट्यूशन होकर अंदर आए हैं रामरतन, इंजरी के बाद में देखिए ये होता है खिलाड़ी का प्रेम कबड्डी के प्रति। इनको चोट लगी थी हाथ में, फिर भी उतरे हैं अपनी टीम के लिए। अब सोच लीजिए ये मैच इस खिलाड़ी के लिए कितना कितना भारी मैच है। और रामरतन फिर से आज के इंजरी के बाद में भी फिर से रेड पर गए थे पर असफल हुए। रेड पर सहदेव, सेफ रेड भाई सहदेव की, किशोर रेड पर, नंद किशोर की जितनी भी रेड थी वो स्कोरिंग रेड थी भाई। सहदेव फिर से रेड पर, सहदेव लगातार प्रयास कर रहे हैं पॉइंट अर्जित करने के लिए। अरे यार खिलाड़ी का क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, काफी दूर पांव लगा था और ये बाहर किया सहदेव को, सहदेव को ऐसा लगा भाई टच हुआ, पर ऐसा लगता है पर होता नहीं है, पाव काफी दूर था उनका, अपील की थी। स्कोर है 18 जलकारी और 26 अकादमी, 18-26 का स्कोर, 18-26 का स्कोर है भाई, 8 पॉइंट की लीड है अकादमी के फेवर में, जो लीड 5 पॉइंट से थी वो अब 8 पॉइंट पे आ चुकी है। रेड पर आ रहे हैं मयंक, मोहित की बैक किक, थोड़ा सा पावर के कारण रुके, नहीं तो भी घसीट के लेके आ सकते थे राम भक्त को, ये वेट नहीं था इनमें, पर कबड्डी वेट का नहीं दिमाग का खेल है भाई, जिसने दिमाग लगाया उसने बाजी मारी है इस गेम में। और बीर्चपाल ने देखो दिमाग लगाया, काटा रेडर को सामने फ्रंट मारा था विजय ने,
नंदकिशोर रेड पे। नंदकिशोर को अब इसको निकालना होगा भाई, और जैसे ही वन इंच पॉइंट मिल सकता है। मिला भाई वन इंच पॉइंट। राम रतन इंजरी के बाद भी वापस रेड पर। और ये टाइम आउट लिया है टीम जानकारी क्लब अजमेर ने। और रेड पर ब्रिजपाल, और साइन ने लगाई है कैच, दिया इस कैच को अंजाम, डिफेंडर को करा आउट करार करने के बाद भी ये फिर एक इंजरी हुई है साहिल को, किसको पता नहीं, देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। ये देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। विसल बजाने के बाद भी भागकर निकले हैं, स्ट्रगल तो जारी था और डिसीजन देखते हैं। और ये रेडर आउट भाई, रेडर आउट टीम जानकारी क्लब अजमेर का, जो रेड पे थे बिरजपाल उनको बाहर जाना होगा। विसल बजने के बाद में शायद उन्होंने स्ट्रगल किया था, पर विसल बजने के बाद उनको आउट करार कर दिया गया था रेफरी गन के हिसाब से। और रेड पर प्रधान, प्रधान के सामने से मारा और प्रधान ने दो पॉइंट की रेड की भाई। ये रेडर एक बार होम में आने के बाद में रुकता नहीं है भाई, पूरी टीम बढ़िया ही कॉम्बिनेशन के साथ में खेल रही है। रेड पर है राहुल, आगे टीम के सपोर्ट में दर्शक लगातार रूटिंग चल रही है। राहुल जूनियर नेशनल प्लेयर, और शानदार बैक होल्ड भाई। एक कॉर्नर की जो भूमिका रहती है वो खूबी से निभाई है विजय ने। दो का डिफेंस, भारी भरकम पावरफुल डिफेंडर रेडर, रेड पर है आखिरी के चहित रेडर, दो का डिफेंस है, सुपर टिकल सिचुएशन, दोनों ही डिफेंडर है, कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, रेड पर लेकर आएंगे अंशुल को, जो कि एक सब्स्टिट्यूट में बैठे थे, और सोनू को किया बाहर, अंशुल को किया अंदर, रेड पर आएंगे अंशुल। देखते हैं क्या रेडिंग पॉइंट मिलता है इनको। अंशुल पहली रेड है भाई इस टूर्नामेंट में अंशुल की। बोनस तो आसानी से ले लिया भाई, नहीं, बोनस भी नहीं मिला भाई इनको। और राम रतन, लगता है मेरे को कि ये स्कोर लेके आ सकते हैं। और काट कर निकले, लगता है दो पॉइंट भी मिल सकते हैं, पर सिंगल पॉइंट, बहुत ही शातिर दिमाग लगाया राम रतन ने।
राम भक्त जो कि लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका निभाते हैं टीम में। अभी रेडर बचा नहीं, सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया पर है नहीं इनके पास एक्स्ट्रा प्लेयर रेड में, तो इनको ही रेडिंग करनी होगी और रेडिंग की है और बाहर जाना पड़ेगा राम भक्त को। और ये टाइम आउट लिया भाई टीम आखिरी ने। ये टाइम आउट के बाद में रेड पर है राम रतन और स्कोर आपको बता दें 35 पॉइंट है टीम आगरी के और 21 पॉइंट है टीम जानकारी क्लब अजमेर के। सेफ रेड निकालेंगे भाई क्योंकि इनके पास में काफी पॉइंटों की लीड है, 9-13 पॉइंटों की से लीड कर रही है भाई टीम आखिरी। अब सेफ रेड तो मारेंगी ब्रिज बाल फुर्तीले रेडर, इनका पता नहीं भाई ये कब सुपर रेड मार दे। ये एक पॉइंट तो ले लिया भाई, साहिल को जाना पड़ेगा बाहर और प्रधान पिछले मैच से भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है भाई प्रधान का। काफी शानदार प्लेयर प्रधान, रेड पर फिर से बिरजपाल, पिछले बार एक पॉइंट की रेड की थी, साहिल को बाहर किया था राइट कॉर्नर को, आसानी से बोनस की ट्राई की पर लाइन पे था, उनको लगा बोनस है इसलिए अपील की। और थर्ड रेड पर है मोहित, थर्ड रेड है भाई ये, रनिंग लेने की कोशिश की थी पाँव में बैठे सहदेव, सामने से फ्रंट किया राम भक्त ने, बाहर जाना पड़ा मोहित को। फिर से जर्सी नंबर 6 में बिरजपाल, ओ तो मारा है विजय को, लगा हाथ मारेंगे पर पाँव का इस्तेमाल किया। और ये राम भक्त को नहीं रोक सकते भाई, आप देख सकते हैं इस खिलाड़ी का कबड्डी के प्रति प्रेम, हाथ में इंजरी होने के कारण भी फिर भी मैच में बने रहे हैं। और ये सहदेव और नंदकिशोर को किया बाहर अटैक मार के, राम रतन सेफ रेड से इस रेड को पूरी करेंगे शायद। बिरजपाल हर रेड में स्कोर कर रहे हैं भाई, ये प्लेयर काफी फुर्तीले प्लेयर हैं, ये स्पीड का जवाब नहीं इनका, स्पीड तो जैसे कोई नवीन खेल रहा है ग्राउंड में। जानकारी क्लब अजमेर, अब 5 मिनट बचे हैं मैच के भाई, 12 पॉइंट की लीड है अकादमी के फेवर में। अब इस 12 पॉइंट की लीड को जल्द से जल्द कवर करना पड़ेगा, रेड पर आए हैं सहदेव, और ये साहिल ने दिखाया फिर एक अपना वही शानदार फेवरेट स्किल थाई होल्ड। और ये थर्ड रेड में कैच लगाए प्रधान की, बाहर जाना होगा भाई,
बिर्चपाल। अंतिम क्षणों में मैच चलता हुआ बिर्चपाल और टीम काफ़ी कोशिश कर रही है कि मैच में बने, क्योंकि लगभग 13-14 पॉइंट लीड और ये एंकल आउट किया, 2 पॉइंट मिलेंगे, बाहर जाना पड़ेगा साहिल को और दीपक को। लगता है इनको भी थोड़ा बहुत इंजरी हुई है मैच में। मैच के बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई, ये कबड्डी है, यहाँ पे एक ही रेड में पूरी टीम ऑल आउट हो सकती है। और ये टाइम आउट ले रहे हैं टीम आखिरी अकादमी 28-38, मतलब में 10 पॉइंटों की लीड है टीम आखिरी के पास में। और ये मोहित ने दिखाया जलवा, सुपर टेकल को दिया अंजाम। विजय लाइन का ध्यान रखें, पीछे अलर्ट रहे, विवाद ना हो। बिर्चवाल बोल रहे हैं कि डिफेंडर पहले ही सेल्फ आउट हो गया था। और ये मैच के लगभग 3-3.5 मिनट बचे हैं, इसलिए नंदू ने सेफ रेड मारने का निर्णय लिया है, क्योंकि 12 पॉइंटों की लीड है इनके पास। और सहदेव, और फिर से मोहित ने दिखाया एक और जलवा, एक सब जूनियर खिलाड़ी का अद्भुत प्रदर्शन। और ये थर्ड रेड है भाई, नंदू को स्कोर करना होगा इस रेड में। 5 का डिफेंस है, बोनस ऑन नहीं है, पहले पूरा टाइम निकालेंगे। टाइम देख सकते हैं 9, 7, 6, 4, 3 और बाहर, पहले बाहर हो गए थे, कोशिश अच्छी थी भाई नंदू की। जर्सी नंबर 3 में राहुल, और ये सेल्फ आउट हुए भाई। पूरा टाइम निकालेंगे और लगता है लगभग इस मैच में विजय प्राप्त कर ली है टीम आखिरी ने। सेफ रेड मारेंगे भाई, थर्ड रेड के लिए ललचा रहे हैं। इस मैच के बाद में आपको फाइनल मैच देखने को मिलेगा टीम नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी आखिरी और टीम राणा क्लब अजमेर। सेफ रेड, लगातार सेफ रेड। और ये इसी के साथ मैच समाप्त, टीम आखिरी ने विजय प्राप्त किया भाई इस मैच में।